हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द आवर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे हाउस कंस्ट्रक्शन पार्ट 15 में कि हम लोग जो है किस तरीके से स्लैब हो जाने के बाद उसके ऊपर जो है हम लोग ब्रिकवर्क करना है, और आज कंस्ट्रक्शन पार्ट 16 में हम लोग जानेंगे कि हम लोग का छत हो गया, ऊपर भी ब्रिकवर्क हो गया हो रहा है और सेटरिंग भी ग्राउंड फ्लोर का खुल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पार्ट 16 में हम लोग देखेंगे हम लोग किचन का डाउन स्लैब बनाएंगे। किचन का क्या करेंगे, डाउन स्लैब जैसे कि दिख रहे हैं डाउन स्लैब बनाना है जिसमें हम लोग खाना उना बनाएंगे या फिर किचन में जो रहता है यहाँ पे बेसिन रहेगा वॉशिंग करने के लिए। जहाँ देख रहे हैं 2x1.5 फीट का है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि सरिया लगा हुआ है, यहाँ पर जो है किचन का स्लैब बनेगा डाउन स्लैब। तो डाउन स्लैब बनाने के लिए क्या किया जाता है कि बाद में इसको जो 10 इंच का वॉल है या 5 इंच का वॉल है जो भी हो, यहाँ पे 10 इंच का वॉल है उसको 2.5 इंच करके इसको स्क्रैच किया जाता है। जहाँ देख रहे हैं स्क्रैच कर दिया, उसके बाद उसमें 2.5 इंच करके उसको काट लिया गया, गड्ढा कर दिया और उसमें सरिया घुसा दिया, और सरिया घुसाने के बाद उसमें अच्छा से कॉम्पैक्शन करके उसमें कॉन्क्रीट किया जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरीके से सरिया काटना, किस तरीके से आपको डाउन स्लैब बनाना है और उसमें क्या क्या काम आता है। जहाँ देख रहे हैं इसमें आपको देख रहा है कि यहाँ पे काटा हुआ है, यहाँ पे छेनी हथौड़ी से काटा है, उसके बाद यहाँ पे सरिया जो बांधा है छोटा कर दिया है। सरिया जो है हमेशा जो है वॉल से सटा होना चाहिए, जो भी एरिया काटा है उसका एकदम सटा होना चाहिए। यहाँ पर सरिया छोटा कर दिया है, ये गलत है, आपको ये चेक करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या किया जाएगा, इसको खोल के फिर सीधा किया जाएगा। सीधा कैसे होगा, इसको खोलना होगा, खोल के इसको अंदर उधर ठेलना होगा, जितना भी पोर्शन अंदर जाते हैं उसको अंदर पोर्शन दिख रही है, ठीक है दिख रहा है, ये भी छोटा है थोड़ा सा, इसके बाद जहाँ दिख रहा है ये भी छोटा है, ये फिर बगल वाला सही है, अंदर तक दिया है और बेसिन के जो है वॉश बेसिन के दोनों तरफ जो है 3-3 इंच का कास्टिंग होगा ताकि वॉश बेसिन उसमें रुका रहे, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ जैसे कि देख रहे हैं हर खन रोड में आपका सारा चीज़ बना हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं इसमें आपका एकदम सरिया जो है आपका 6-6 ये स्पेसिंग पे बांधा गया है, बहुत ही यहाँ पे तिरछा है तो इसको सीधा किया जाएगा, इसको सीधा करके बांधा। यहाँ देख रहे हैं 6-6 इंच के ज़्यादा 4-4 इंच दूर में बांध दिया है, तो ये 4-4 इंच दूर में बांधा है तो ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो आप कर सकते हैं ज़्यादा लेकिन कम आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं आपको यहाँ पे सरिया जो है ये लोग थोड़ा छोटा कर दिया है कि अंदर जाना चाहिए तो नहीं गया है, यहाँ देख रहे हैं इसलिए ये लोग को बताया जा रहा है, ये लोग को बता रहे हैं कि देखिए इसको जो है हम लोग को अंदर तक जाना चाहिए, ये सरिया जो बड़ा हुआ है ये छोटा हो गया है, इसको आप खोल के फिर दोबारा अंदर तक इसको भेजिए, उसके बाद तो ये लोग जो है इसको फिर सही करेगा, इसको जो है हम लोग उसको बता दिए ताकि उसको जो है पता चल जाए कि गलती कहाँ पे है, उसको करेक्शन करने के बाद ही इसको कास्टिंग किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इस आपको कितना हाइट पे लेना है, जैसे कि पहला सवाल कि कितना हाइट पे ले, यहाँ पे हम लोग लिए हैं 29 इंची हाइट पे, अभी जो है हम लोग का पीसी से किया हुआ है उससे 29 इंची हाइट पे हम लोग लिए हैं सेंटरिंग, यानी उसके ऊपर 29 इंची हाइट पर आएगा सेंटरिंग, बॉटम ऑफ डाउन स्लैब और डाउन स्लैब 3 इंची का होगा उसके ऊपर आएगा 32 इंची। तो बाद में इसमें 2 इंची का आपको टाइल्स लगेगा नीचे, तो बचेगा 29 में से 2 चला जाएगा 27, और 26 इंची का सिलेंडर आता है तो 1 इंच क्लियर कवर रहेगा और जो है सिलेंडर इसके अंदर आसानी से आ सके। आपको 29 इंची से ज़्यादा नहीं करना है, मैक्सिमम 2.5 फीट के ऊपर आपको कभी भी नहीं करना है, नहीं तो आपको खाना बनाने में दिक्कत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको हमेशा 2.5 फीट से नीचे करना है, जैसे कि सरिया में दिख रहा है, यहाँ सरिया अच्छा से नहीं था इसको दिखाया गया है। तो पहला कि आपको नीचे से जो डाउन स्लैब है उसका बॉटम होगा 29 इंची जो कि यहाँ पे लिया गया है, और टॉप होगा 32 इंची, यानी 3 इंच का स्लैब होगा थिकनेस का, ये आपको ध्यान रखना है, इतना हाइट पे ही लेना है। और जो सिलेंडर होता है वो 26 इंची का होता है स्टैंडर्ड साइज, तो आप एक इंच क्लियर ले लीजिए ताकि सिलेंडर जो आसानी से घुस सके। तो मुझे उम्मीद है कि हाउस कंस्ट्रक्शन पार्ट 16 यानी 16 में आपको सारे जानकारी जो है
डाउन स्लैब के बारे में, किचन स्लैब के बारे में आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और ये जो है डाउन स्लैब बन रहा है 2 फीट चौड़ाई करके बन रहा है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अच्छा लगा तो। और मिलते हैं तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में।